हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छी खासी हूँ। तो चलिए, आज का वीडियो के बारे में कुछ बता रही हूँ। आपको तो पता ही है, मेरी फादर इन लॉ है, वो बहुत ही बीमार है। तो घर पे बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे, तो कुछ सूट नहीं कर पा रही थी, तो सोचा कि चलो आज थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो आज मैंने कोई व्लॉग ऐसा ज़्यादा बहुत बढ़िया बनाया नहीं है, यानी लंबा भी नहीं है, छोटा सा व्लॉग बनाया है। कैसा लग रहा है वो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। और मैंने जो ख़रीदारी की है उसके बारे में ही है। घर का सारा काम निपटा दिया है, ट्यूशन भी फिनिश हो गए हैं और बच्चे भी स्कूल और कॉलेज चले गए हैं। बस अभी मैं खाना खाने बैठने वाली हूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरा अधिक सावन मास भी चल रहा है, तो मेरे फास्ट भी है। तो बस सारे काम निपटाने के बाद मैंने ये खाना वाना भी खा लिया और आज बस यही सूट कर रही हूँ कि जो चादर है, कई बार हम ऑनलाइन भी लेते हैं, ऑफलाइन भी लेते हैं। तो देखिए, ये चादर येलो कलर की है, वो मेरी जेठानी ने भिजवाई है। तो बस उसके चारों किनारी है, उसे मुझे सिलना ही है। और जो ये सिलने से क्या है कि जो धागे एक्स्ट्रा निकलते हैं ना, वो निकलेंगे नहीं। तो हर बार मैं कोई भी चादर घर पे लाती हूँ तो वैसा ज़रूरी करती हूँ। अगर आपको सिलना आता है तो हाथ से सिलाई ले लीजिए, और नहीं आता है तो आप ग्लू से भी लगा सकते हो, क्योंकि ग्लू होता है जो ग्लू गन यूज़ करते हैं, उससे अच्छे से ये फिट हो जाती है। अगर आप वैसा भी नहीं करवा सकते तो आप जो हम साड़ी में इंटरलॉक करवाते हैं वैसा इंटरलॉक भी करवा सकते हो। और ये देखिए, पिंक कलर की साड़ी, माफ़ कीजिएगा, पिंक कलर की ये चादर, ये मैंने बहुत टाइम पहले जो हमारे लोकल मार्केट होते हैं वहाँ से ली थी। मैं लाल दरवाज़ा गई थी तो वहाँ मुझे ये देखी, तो मैंने वहाँ से ले ली थी। और ये मुझे ओनली 150 रुपये में मिली है। आप ऑनलाइन देख सकते हो, यहाँ पे कहीं मैं पिक लगा दूँगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप लेना चाहते हो तो आप शॉपसी में से ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हो। अभी राखी आ रही है तो बहुत सारे सेल भी निकलेंगे, तो उसमें से भी आप ले सकते हो। पर मैंने तो ये ऑफलाइन लिया है, तो देखिए कितनी अच्छी है। पर इसमें थोड़े बहुत धागे निकल रहे थे, तो मैंने एक साइड इस तरह से सिंपल सी सिलाई लगा ली। पर सिंपल सिलाई लगाने के बाद मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे मुझे इंटरलॉक करना चाहिए। तो क्योंकि मेरी मशीन तो फॉल बेडिंग वाली थी, तो मैंने वहाँ पे इंटरलॉक कर लिया। और इंटरलॉक करने से क्या है, ये जो एक्स्ट्रा धागे निकलते हैं वो निकलना बंद हो जाएंगे। तो थोड़े थोड़े मैंने साइड में से कट करने के बाद यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने से यानी इंटरलॉक कर लिया, पिको बोलते हैं ना, वो करने से क्या है, ये चादर में से कभी भी इस तरह से धागे नहीं निकलेंगे और अच्छे से सेट हो जाएगी। कभी भी हम वॉश करेंगे तो भी ऐसे नहीं निकलेंगे, और हम जब भी यहाँ पे बिछा के रखेंगे तो क्या है, कई बार पैर में जो पायल होती है उसके अंदर भी ऐसे फंस जाते हैं, वो भी नहीं फंसेंगे। तो एक बार ज़रूर से आप नई चादर लाओ तो इस तरह से करवा के यूज़ कीजिएगा। देखिए, मेरी इस तरह से चादर है, रेडी हो गई है। लगाने के बाद दिखा रही हूँ कि कितनी बढ़िया लग रही है। तो जब भी आप देखिए, पिको कैसे अच्छे से फिट हो गया है और फिट भी आ गई है। सारे धागे हैं वो भी निकलना बंद हो गए हैं। लगाने के बाद भी ये बहुत ही बढ़िया लग रही थी। बस अभी मुझे इसको ही पिलो कवर है वही सेट करने हैं। ये देखिए, 150 रुपये में दोनों चादर फिट आ गई है, यानी मेरी जो डबल बेड है वहाँ पे भी आ गया है, और ये मेरे पास एक दीवान है वहाँ पे भी इस तरह से फिट आ गया है। और ऐसे चादर लगाने से क्या, एक तो ये फ़ायदा होता है कि बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो वो भी हमें हेल्प करते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है कि नहीं, मेरी फेवरेट कलर है पांडा है, तो बच्चों को तो पसंद ही आते हैं। तो जब भी कृष्णा इस कमरे में आती है, चादर थोड़ी भी फैली हुई होती है ना, तो वो खुद अच्छे से क्लीन करने बैठ जाती है, और फिर वो ही उसे सब सामान जो रखना होता है वह रख देती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे मैंने पिलो कवर अलग से रखे हुए हैं, तो उससे अवॉइड कीजिएगा। मैं पिलो कवर बनाने वाली हूँ, और मेरे पास जो पुरानी चादर है ना, उसमें से भी मैं कुछ नया बनाने वाली हूँ, जो है पिलो भी बना सकती हूँ, या फिर जो हम टेबल के लिए यूज़ करते हैं टेबल रनर, वो भी बनाने वाली हूँ। तो ज़रूर से उसे फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।